गुड्डू का खिलौना देख लो। गुड्डू का खिलौना अभी यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? देखो ना इधर बड़ा बड़ा खिलौना। तो मेरे लिए ले लो। टिश्यू पेपर मंगा लेना भी इसके दिन। अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका तौफीक मम एंड फैमिली ब्लॉग में। न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो अभी मार्केट गई थी तो मार्केट से आ गई हूँ, तो थोड़ा बहुत अभी छोटा मोटा चीज़ बचा हुआ था निकट को लेने का, तो लेने गई थी। अब मेन गई थी मैं डिनर सेट के लिए, लेकिन डिनर सेट पसंद नहीं आया तो छोड़ दी। मैं इसके अब्बा को बोली कि आप ले लेना, और कांच का गिलास भी लेना था तो वो सब भी मेरे को पसंद नहीं आया। मैं इनके ऊपर छोड़ के आ गई हूँ, अब तो मैं जाऊँगी नहीं। अब मेरी खुद भी तबीयत दो तीन दिन से ठीक नहीं है, मेरे कमर में इतनी दर्द हो रही थी। आज तो थोड़ा आराम भी है, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। दर्द की गोली खा रही थी, कम हो जा रहा था, जब तक असर रह रहा था तो ठीक था, नहीं तो चल भी नहीं पाती थी, 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो आज थोड़ा ठीक था तो निकट को भी थोड़ा बहुत लेना था। मैं बोली चलो दिला दूँ, क्योंकि आज 28 रोज़ा हो गया, फिर कल थोड़ा घर उर का साफ सफाई करूँगी तो फिर टाइम नहीं मिलता जाने का। तो चली गई, तो डिनर मैं खास मैं डिनर सेट और चादर के लिए गई थी, तो चादर तो लेकर आ गई हूँ बेडशीट, और डिनर सेट नहीं पसंद आया तो उसके अब्बा लेकर आएंगे कल। तो अभी दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। छोटा मोटा सामान था बस, वही सब लाई हूँ। छोटा मोटा सामान कर करके कितना सारा हो जाता है, तो चलिए फिर दिखाती हूँ। तो आज निखत ये सब लेकर आई है, ये है, ये फिर से एक ले ली, उस दिन भी लेकर आई थी फेस पाउडर, और ये है एलोवेरिया जेल, और ये फेस मास्क है ना, ये चेहरे पे लगाते हैं, और ये है फेस वॉश। तो दो ली हूँ मैं, एक निखत का एक अपना। हाँ, ये स्क्रब ली हूँ, ये मैं अपने लिए ली हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ। निखत भी लगा लेती है लेकिन ज़्यादा उसको मैं ये सब चीज़ नहीं लगाने देती हूँ। और ये भी निखत ली है इसका मेकअप उतारने के लिए, और मेहंदी भी ले दी हूँ कि बार बार मार्केट जाना होता नहीं है। तो आज तो मतलब टोटल जो भी बाकी उकी था शॉपिंग वो सब करके आ गई हूँ। और ये है ब्रश, उस दिन एक ब्रश 100 रुपये का ली थी, ये 300 का है पूरा पैकेट, ऐसा गोल वाला दिखाई थी ना मैं, वो 300 का था, नहीं 300 का ये है, वो 100 रुपये का एक ली थी ऐसा गोल वाला, आज पूरा पैकेट मेरे से खरीदवा ली। इसको मार्केट लेके जाती हूँ ना तो ऐसी करती हूँ, ये सब है, और ये 50-50 रुपये में तौफीक जाएगा कल मार्केट में बेचने। हाँ तौफीक जाएगा, तौफीक बोलता अम्मी मैं बेच देता हूँ, ये 50-50 रुपये में एक बिक जाएगा। तो ये निखत के लिए लाई हूँ, मेकअप का सामान वामान रखने के लिए, क्योंकि उसके पास बॉक्स था नहीं तो अपना अलग अलग बना के रखेगी, तो इसके लिए ले ली। ये पूरा कितना पीस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही पीस है, 8 पीस है, 9 बोला था ना, तो 8 तो पीस है। देख 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ ही पीस था, तौफीक बता रहा था कि 9 पीस है। तो ये है, और दिखाती हूँ। तो ये कटोरी लाई हूँ, ऐसे तो कटोरी बहुत सारी है लेकिन कितने दिन बाद, मतलब 2-3 साल बाद ये कटोरी भी मैं खरीद रही हूँ। ऐसे बहुत सारा प्लास्टिक का कांच का सब है, तो सिर खुरमा के लिए ये कटोरी या ये ट्रे ले लिए, ये चम्मच मेरा ख़राब हो गया था तो 6 चम्मच ले ली हूँ, और चादर सब लाई हूँ बेड का, वो सब दिखाती हूँ। तो ये है पर्दा, ये तो 2 पर्दा ली हूँ,
ये एक ही कलर का दो पर्दा ली हूँ, तो ये एक कलर का दो पर्दा ली हूँ, एक तौसीफ के रूम का और एक हॉल का ली हूँ किचन के गेट का, और एक ली हूँ ये ये ली हूँ बाहर के गेट का, बाहर में जो लगता है, बाहर में ना अच्छा पर्दा लगा नहीं सकते, यहाँ पे इतने सब बच्चे लोग ये है ना बदमाश फाड़ देते, मेरा तीन पर्दा फाड़ चुके हैं, तो इसलिए ये सस्ती वाली ली हूँ मैं बाहर लगाने के लिए। ये तौफीक निकालो, थैली खोलो, थैली खोलो, ये है बेड का चादर, हटाओ, तो एक ये है बेड का चादर, ये है डबल बेड, और ये भी है डबल बेड, ये बता दूँ नहीं, हाँ ये भी डबल बेड है, और ये भी डबल बेड है, ये दोनों सेम सेम हो गया है क्या? नहीं नहीं अलग अलग है, मेरे को लगा ये दोनों सेम सेम है। हाँ तो ये चार चादर ली हूँ मैं डबल बेड का, और ये है सिंगल बेड का, सबके साथ गिलाफ है, तकिए का गिलाफ, तो ये है तकिए का गिलाफ, तो एक ये है सिंगल बेड का, एक ये है सिंगल बेड का, और ये है, ये भी है सिंगल बेड का, तो इसमें एक ही तरह का दो चादर है इसके अंदर, इसका दो गिलाफ मिला था, एक को बोला था दुकान वाला कि मैं भिजवा दूँगा घर पे, दुकान पे दे दूँगा, और ये इसके अब्बा को दुकान पे लाके वो दे देगा, पहचानता है इसके अब्बा को, तो दो ही मिला इसका सेट गिलाफ का, तो मैं दो लेकर आ गई थी। और ये ऐसे कलर का मैं खास करके ली हूँ निकट के रूम का, क्योंकि गुड्डू ना बहुत गंदा करता है, इसके लिए ऐसे कलर का ली हूँ। तो ये चार है सिंगल बेड और चार है डबल बेड का, तो आप सब सोचते होंगे इतना चादर क्यों ली, तो मैं चादर 3 साल बाद खरीद रही हूँ, सब चीज़ मैं 3-3 साल बाद खरीद रही हूँ, ये दो वीडियो से मैं यही बोल रही हूँ 3 साल बाद, क्योंकि जब से लॉकडाउन पड़ा था ना तो कुछ भी नहीं ली थी, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत का सामान होता था वही लेती थी, क्योंकि उतना काम धंधा चलता नहीं था कि फालतू इंसान खर्चा करे, तो जो ज़्यादा ज़रूरत रहता था वही लेती थी, और चादर सब बहुत मैं लेके भी रखी थी, तो 3 साल से यूज हुआ, अब क्या है कि एकदम मतलब ख़राब हो गया चादर सब, तो इनको पहले भी मैं ईद से पहले भी बोली थी लेने के लिए, तो नहीं लिए हो, बोले कि मतलब मैं ईद आने दो तो ईद में ही ले दूँगा, तो ली मैं चार वो डबल बेड का ली और चार सिंगल बेड का ली, बोल रहे हैं कितनी सारी चादर ले रही है, बोली कितने दिन बाद तो दिला भी रहे हैं, ऐसे साल में मैं एक बार लेती थी चादर उधर, ये साल ज़्यादा थोड़ा ये हो गया, तो सारा चादर सब ख़राब हो गया था, तो इसलिए ले ली, ये भी चल जाएगा आराम से 2 साल चल जाएगा। अब बीच बीच में ऐसे घर के पास जो बेचने आते रहता है ना तो मैं लेते रहती हूँ, 500-600 में डबल बेड देता है, मतलब 500 में दो चादर रहता है डबल बेड जॉइंट, तो ऐसा वाला मैं लेते रहती हूँ, तो एक काट के सिंगल बेड का बना देती हूँ, उसमें से दो तकिए का गिलाफ बना लेती हूँ, एक डबल बेड का बना देती हूँ, तो हो जाता है, तो वो सब मिला उला के चलते रहता है, क्योंकि मेरे को चादर ये सब का ना बहुत शौक है, लाला के मैं इसमें क्या बोलते हैं अटैची में नहीं बैग में सब तह लगा के रख के रहती हूँ, तो उसी बोलेगा अम्मी किसके लिए रखते हो तह लगा, ये चादर उधर का बहुत शौक है मेरे को, तो ये लेके आ गई, अभी बचा है सिर्फ एक डिनर सेट और जग शरबत सेट, वो बचा है गिलास कांच का, तो इसके अब्बा लेके आ जाएंगे कल, क्योंकि कल ही बढ़ टाइम है, अब देखते कब परसों ईद होता है कि तरसों होता है पता नहीं, क्योंकि कल 29 रोज़ा हो जाएगा, अगर परसों ईद हुआ तो 29 रोज़ा होगा और तरसों ईद हुआ तो पूरा 30 रोज़ा माशाल्लाह हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है, तो अभी नहीं कर तो सब लाई है बैग उग, तो अपना मेकअप का सेट कर रही है, और मैं ये सब सोची आप सबको दिखा देती हूँ,
और मेरा ना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था ना कि पूछी नहीं। मैं बाथरूम से निकलते हुए मैं गिर गई थी या घर में किसी को भी नहीं बताई और सब सोच रहा है क्यों दर्द हो रहा है क्यों दर्द हो रहा है। तो रात को इसके अब्बा पूछे कि क्यों इतना दर्द हो रहा है, दवा खाने पे भी कम नहीं हो रहा है, तब जाके उनको बताई। नहीं तो लोग ना बहुत ये करते कि कैसे गिर गई हमने। मैं निकली नहा कर, पानी गिरा हुआ था, पैर फिसल गया, गिर गया और बाथरूम का जो चौखट है सीधा कमर पे लगा। तो मतलब इतना दर्द था कि मतलब लेटने में तो थोड़ा आराम मिल रहा था, खड़े भी नहीं हो पा रही थी। दवा खाती थी जब तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जा रहा था, फिर वैसी दर्द आज जाके थोड़ा कल रात को भी नहीं कर तेल लगे आयोडेक्स सब लगाई है तो थोड़ा आराम है। मतलब दर्द है नहीं कम लेकिन आराम है। लेकिन ये काम सब भी ज़रूरी था कि ये काम सब ख़त्म करूँ जाके मार्केट। मार्केट में तो इतनी भीड़ की बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यही सब था। तो चलिए फिर, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। और मिलती हूँ फिर एक अच्छी